हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मैं निकली हूँ घर से बाहर क्योंकि फाइनली हम लोगों ने डिसीजन ले लिया। आपको बताया था मुश्किल है, लेकिन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे, इन पर्सन वो स्कूल जाएँ। और क्योंकि वो पता है, जो स्कूल बच्चे जाते हैं ना, उनकी लर्निंग, उनका सोशलाइज करना, वो सब डिफरेंट होता है। एक स्कूल का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो हमने बड़ा एक दूसरे से पूछा, बच्चे से बात की। बच्चे तो कह रहे थे कि बेशक हमें घर से ही स्कूल करवा दें, लेकिन हम लोगों ने इवेंचुअली ये सोचा कि इनको स्कूल भेजते हैं ताकि इन लोगों को दोबारा से स्कूल की आदत हो, वरना ये बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, यूज़ टू नहीं रहे रोज़ की रूटीन के। तो आज मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलूँ और जाके कोई स्कूल सप्लाइज़ वगैरह लेके आती हूँ। तो इवेंचुअली मैं और जिब्राइल घर से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं जी सुपर स्टोर, क्योंकि सुपर स्टोर आए मैं क्यों जा रही, मोस्टली तो मैं स्टेपल्स जाया करती थी, लेकिन आज मैं जा रही हूँ सुपर स्टोर क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो सुपर स्टोर से कुछ एक दो चीज़ें लेके आई थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो, मैंने कभी सुपर स्टोर से स्कूल सप्लाइज़ की शॉपिंग नहीं की थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम वहीं से स्टेपल्स चले जाएंगे, क्योंकि स्टेपल्स वो कहते हैं ना, अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिलता है जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे आइटम्स देखे थे, कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो मुझे स्टेपल्स में तो कभी भी नज़र नहीं आई। तो मैंने कहा जाती हूँ, जाके देख लेती हूँ, प्राइसेस वगैरह भी देख लूँगी, डील्स वगैरह भी देख लूँगी, क्योंकि जब ये बैक टू स्कूल आता है तो कभी कभी कुछ चीज़ें डील पे आपको मिल भी जाती हैं। तो ये है वो आइटम जो मैं ख़रीदने के लिए आई थी। ये है जी वाटर बॉटल्स एंड उनके मैचिंग इन लोगों ने लंच बैग्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये मैंने लेना था। ये लेने के लिए स्पेशली मैं आ जाई हूँ क्योंकि जिब्राइल की वो फ्रेंड है, उस जिब्राइल ने देखा था उसके पास, तो बोलती है कि अम्मा मुझे यही वाटर बॉटल चाहिए। तो जब मैं इधर आई तो मैंने देखा कि वाटर बॉटल के साथ मैचिंग उनके लंच बैग्स भी पड़े हुए थे। तो देखते हैं जिब्राइल कौन सा कलर लेती है। आई थिंक डिफरेंट प्राइसेस हैं इनकी, काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक लंच बैग के हिसाब से ये इतना चीप नहीं है। लाइक $15 तक का चीज़ जो अगर आपको मिलती है वाटर बॉटल, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि रिजनेबल प्राइस है, वो आपको एक्सपेंसिव प्राइस ही होती है। और अभी ये डील पर लगे हुए थे, तो ये हैं जी वाटर बॉटल्स, आप इनके प्राइसेस भी देख सकते हैं और साथ में इनके लंच बैग्स। तो चलें देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं इस एरिया में कभी सुपर स्टोर में आई ही नहीं हूँ। लाइक फ़र्स्ट टाइम मैं इस साइड पे आ रही हूँ। नॉर्मली मैंने अगर कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी होती थी ना, तो मेरे घर के बहुत करीब है वॉलमार्ट, तो मैं वॉलमार्ट जाया करती थी। अब मुझे वॉलमार्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत कम जाती हूँ। सुपर स्टोर मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। लाइक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी चॉइसेस बन जाती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सुपर स्टोर मुझे आके ग्रॉसरी करना, यहाँ से शॉपिंग करना मुझे पसंद है ये, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और वाकई यहाँ पर अच्छी खासी वैरायटी थी। जिब्राइल मेरे साथ है और उसने अपनी वाटर बॉटल पकड़ ली, और अब हम लोग देख रहे हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें बाई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं है यहाँ पे उनके लिए, तो मुझे शायद फिर जाना पड़ेगा कभी स्टेपल्स, लेकिन मोस्टली चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल ही गई हैं और वैरायटी भी है और बड़ी चीज़ें, हर चीज़ बड़ी कहते हैं ना ऑर्गेनाइज थी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको स्कूल सप्लाइज़ वगैरह का सीज़न होता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होती हैं, आपको प्राइसिस का नहीं पता चलता, लोग एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर चीज़ रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें वाकई बहुत ऑर्गेनाइज थी और बहुत साफ़ सुथरा, और कोई लोग भी नहीं थे। मुझे लग रहा है इस दफ़ा लोगों ने शॉपिंग बहुत कम की है स्कूल सप्लाइज़ की, क्योंकि लास्ट में बात है पिछले कुछ सालों से भी उनके पास कुछ लेफ्ट ओवर होंगे, और आई डोंट नो, मुझे तो बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा स्टोर में। तो इवेंचुअली हम लोग हो चुके हैं जी फ्री ये अपना काम करके, और अभी हम जाएंगे बाहर। जिब्राइल को बड़ा शौक होता है ये बेबी कार्ट लेने का, यहाँ ही सिर्फ मिलती हैं ये छोटी वाली स्मॉल कार्ट जो आप बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो जिब्राइल बड़ी वो फील करती है कि वो बहुत बड़ी होगी और सारी चीज़ें वो खुद से मैनेज कर रही है। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, घर जाएंगे। घर जाके मैं आपको, मैंने शॉवर लेना है क्योंकि ये मैंने शॉपिंग की थी, जल्दी की थी, डे टाइम में की थी। अभी जाके मैं शॉवर लूँगी, शॉवर लेने के बाद इंशाल्लाह आपको डिटेल से आपको इसका हॉल भी दिखा दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हम बैक टू स्कूल की क्या शॉपिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि कुछ प्रोविंसेज ऐसे हैं जहाँ पर, जब मैं ओंटेरियो में रहती थी वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था, हर जगह दूसरी जगह से डिफरेंट होती है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ बच्चों को बैक पैक्स, इनडोर एंड आउटडोर उनको देते थे, शूज़ एंड दैट सेट, उसके अलावा कोई या लंच बैग्स वगैरह होते थे। इधर आपको काफ़ी ज़्यादा स्कूल सप्लाइज़ वगैरह बाई करनी पड़ती हैं, तो सारी जगह डिफरेंट होती हैं दूसरी जगहों से। इधर आके जब मुझे भी फर्स्ट टाइम इनकी लिस्ट मिली थी, तो मेरे लिए भी एक नई चीज़ ही थी। तो चलें जनाब, इसको रखते हैं गाड़ी के अंदर और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपको घर जाके, क्योंकि बाकी वहीं पर बातें होंगी। जी जनाब, तो आपने देख लिया कि आज आपको पता चल चुका है कि हम क्या करने गए थे। हम लोग करके आए हैं जी स्कूल की बैक टू स्कूल शॉपिंग। कंप्लीट तो नहीं 100%, एक्चुअली इस दफ़ा हम लोगों ने जो पूरी की पूरी लिस्ट बनाई थी, एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास जिस प्रोविंस में हम रहते हैं, एवरी प्रोविंस डिफरेंट है। जिस प्रोविंस में हम रहते हैं वहाँ पे
एवरी जो क्लास उसकी उसकी स्कूल की लिस्ट आ जाती है आपके पास कि आपको कौन कौन से सप्लाईज बाय करने हैं। तो इस दफा उन लोगों ने जो सप्लाईज भेजे उसमें से काफी चीजें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सॉर्ट आउट करती कि क्या मुझे खरीदना है क्या नहीं। तो मैं मेन चीजें लेके आ गई हूँ, अभी मैं इन सब की चीजें सेपरेट बैग्स में डालूंगी, जब ऑर्गेनाइज करूंगी तो भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो सब बाय किया, ऑर्गेनाइज करेंगे, जो चीज कम पड़ेगी फिर वो हम और लेके आएंगे। तो चले अब हम आपको जल्दी जल्दी चीजें दिखा देते हैं कि हम क्या क्या लेके आए हैं। तो ये मैंने कंबाइन चीजें बाय की हैं, अभी आपको ये नहीं बता सकती कौन सी चीज किसके लिए है कौन सी चीज किसके लिए है। तो जनाब ये इनको चाहिए थे 2 इंच के बाइंडर्स, जो जिपर वाले होते हैं और ये जबरदस्त होते हैं। आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, देखें ऐसे होते हैं, इसके अंदर ये पूरी पार्टीशन हुई होती है, ये देखें ये, और इसके अंदर यहाँ पे भी फाइल्स वगैरह इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपने जो पेपर्स वगैरह लगाने हैं उसमें उसके ऊपर गए आपने को लेबल लगाने हैं, तो उसके लिए उन लोगों ने वो चीजें भी आपको दी हैं। तो ये देखिए एक हमने लिया रेड और एक हमने लिया ग्रीन। जिब्राइल के ग्रेड में तो ये नहीं चाहिए, जूनियर हाई पे चाहिए, तो ये 2 हमने खरीदे हैं ऑलरेडी। मुझे बेबरस कहते कि 2 हमारे पास ब्रांड न्यू पड़े हैं, तो हो सकता है ये यूज हों हो सकता है ना यूज हों, तो ये हम 2 लेके आए हैं। उसके बाद हमने क्या लिए हैं जी, ओके जी ये हैं जी पेंसिल्स। जिब्राइल वेट बेटा, ओके यू कैन लाइक दीज वंस, ओके ओके जी। तो ये देखिए ये मैंने लिए हैं जी, कुछ होती हैं जो पेंसिल्स बहुत अच्छी होती हैं, मैं एक बात पे यकीन रखती हूँ कि थोड़े पैसे ज्यादा लगा दो लेकिन वो चीज ज्यादा अच्छी काम करती है। तो यहाँ पे कोई सेल्स की भी पेंसिल्स थी जो आपको प्राइस में सस्ती मिल रही थी, लेकिन मैंने ली है ये स्टेडलर की पेंसिल्स नहीं है, मैं स्टेडलर की ही चीजें ज्यादा प्रेफर करती हूँ, अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट होता है, तो थोड़े पैसे ज्यादा सही लेकिन चीजें अच्छी होती है। तो 5 packs मैंने खरीदे हैं स्टेडलर्स की पेंसिल्स के। और कितने पैक्स लिए हमने दूसरे? We got five. और ये है जी पेपर मेट की, ये 24, अच्छा मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं, ये मुझे मिली है 24 है और ये मेरे तकरीबन $3 की मिली है, और ये 12 है, हाफ है उससे ज्यादा, उससे भी कम, और ये हमें मिली है $4 or $5 की थी, $4 or $5 की थी, लेकिन ये बहुत अच्छी है। तो जिब्राइल को शायद मैं ये क्लास में ना लूं, घर में तो ये मेरे पास यही है, मैं भी आपको दिखाऊंगी जो मेरे पास लेफ्ट ओवर चीजें पड़ी हैं। और ये 5 packs ही हमने खरीदे हैं पेपर मेट की, और ये वाली पेंसिल्स हैं, ये वाली ये हमने बाय कर ली, बल्क में ही बाय करती हूँ, इतनी ज्यादा बच्चों को चाहिए नहीं है लेकिन मैं ज्यादा चीजें लेके आती हूँ। हाँ मैंने इरेसर्स भी लिया, we have 5 packs and they're each 2 और ये देखें ये भी स्टैडलर से हैं, जो स्टैडलर के ही हैं इरेसर्स, और ये 2 का पैक होता है, और ये मैंने लिए हैं 6 4 मेरे पास हैं, 2 इसके पास हैं, तो ये हम लोगों ने 6 packs हमने ये भी खरीद लिए हैं। हाँ एक दफा यहीं पे रख दो, हाँ यहाँ पे, तो ये हो गए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि और हमने क्या लिया, ये बैग मुझे तो ये हमने स्टेडलर्स के ही शार्पनर्स लिए हैं, ये देखें ये स्टेडलर्स के ही शार्पनर हैं, तीनों के लिए लिए हैं, बैबरस मीकेल एंड जिब्राइल, तीनों के लिए। बस वही बात क्वालिटी, ये जो नाम होते हैं ना, जो ब्रांड्स अच्छे होते हैं, ये आपसे पैसे तो ज्यादा लेते हैं लेकिन आपको क्वालिटी बिल्कुल देते हैं, और ये फर्क मैंने खुद फील किया है। तो ये मैंने 3 ही लिए हैं स्टेडलर्स के शार्पनर्स। और ग्लू स्टिक्स कितनी है दिखाओ? नो हमारे हमने 2 नहीं लिए, ज्यादा नहीं थी ग्लू स्टिक्स। ओके अभी तक तो ये 2 नजर आई हैं, ग्लू स्टिक्स हैं, ये जंबो साइज की हैं और 6 हैं, ये वॉशेबल होती हैं, लाइक ये ग्लू अगर आपके बच्चे कपड़ों पे या हाथों पे लग जाए धो लो तो ये सही हो जाते हैं। हमने ये ले लिया था जी, ये ड्राई इरेस मार्कर है जो व्हाइट बोर्ड के लिए बच्चे यूज करते हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स में है, ये भी हमने एक पैक ये ले लिया है। और ओके ये जो है क्रेयॉन्स की पेंसिल्स जो है कलर्ड पेंसिल्स, एक हमने ये पैक ले लिया है, एक नहीं लिया ये हमने 2 लिए, क्योंकि मुझे याद था कि मिकाइल को भी चाहिए थी, क्या ये 2 पैक्स हमने लिए हैं। ये बेल वो क्या है तुम्हारे हाथ में? We also have clear Elmer's glue in bottles. तो ये जी क्लियर ग्लू है, इसके हमने 3 बॉटल्स लिए हैं, 2 हमने लिए हैं जी कलर पेंसिल्स के। ओके चलो देखते हैं फिर। तो ये वॉशेबल मार्कर्स हमने लिए हैं, 20 का पैक है, तो 2 हमने ये खरीदे हैं, ये 2 पैक्स हमने खरीद लिए, इसको इधर रख लो। ये एक छोटा सा मैग्नेटिक मिकाइल को चाहिए था, ड्राई इरेसर जो होता है व्हाइट बोर्ड ना, कर जिब्राइल बेटा गिर जैसे भाई, तो ये हमने ले लिया। ब्लू हमें चाहिए थे पेन्स, हमने वो ब्लू पेन्स ले लिए हैं।
It's getting so much. Okay. एक हमें नोटबुक चाहिए थी, ये वाली, ये मिकाइल के लिए आई थिंक चाहिए. मिकाइल को ये लेके दे दी. वेट अ मिनट, ओ क्या दे दी, गई गई गई. ओके, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये एक पैक, एक नहीं है, ये हमने फोर खरीदे हैं. तो मैं खुद भी भूल रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें ली है. तो ये जो पेन है, ये हमने फोर पैक लिए हैं पेन के, ये बच्चों के लिए इकट्ठे. और तो ये हैं जी हाइलाइटर्स हमने ले लिए बच्चों के लिए. और ये हैं जी शार्पीज, ये अल्ट्रा फाइन और ये फाइन पेपर की, ये दो पैक्स हमने लिए हैं. आप दिखा दो. सो अल्ट्रा फाइन एंड फाइन दोनों हैं. अगर आपको बैक से दिखाऊं तो आपको नजर आएगा, एक देखें बारीक है, बिल्कुल बारीक, और इसको अगर देखें तो थोड़ा सा थिकर है. तो फाइन एंड अल्ट्रा फाइन, ये हमने दो ले लिए हैं पैक्स. ओके जी, ओ ये बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी. और या और ये मुझे तीन चाहिए थे लेकिन मुझे दो मिले हैं. ये क्लिप बोर्ड है लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी है. अगर आपके पास सुपर स्टोर है तो आप जाके देखिएगा. आई डोंट नो, ये फाइव सिक्स, जितना ध्यान से बेटा, ये $5 or $6 था मुझे, आई थिंक 6-7, आई डोंट रिमेम्बर. ऐसा अच्छी मैं आपको बताऊँ, इसकी याद नहीं है प्राइस. तो ये देखेंगे इतना अच्छा, इसके अंदर बटन है, इसको ओपन करें और इसके अंदर ऐसे खुलता है ये. ये मेरा दिल था कि मुझे तीन मिले लेकिन मे बी मैं फिर जाऊं और मुझे कुछ मिल जाए तो एक कलर में और लेके आऊंगी. तो ये दो हमने खरीदे हैं, दो बच्चों के लिए ये मैंने ले लिए हैं. So लेना की है. okay, चलो ये दिखाओ भाई अपनी. There's a matching lunch bag, that one. और ये हॉट एंड कोल्ड रख, इसको हॉट एंड कोल्ड जो चीज भी आप इसमें, इंसुलेटेड है तो इसमें जो चीज आप डालेंगे उसका टेम्परेचर वही रहेगा. तो जिब्राइल ने ये लिया और साथ ही जिब्राइल ने ये भी लिया है अपना लंच बॉक्स. और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने सिर्फ एक खरीदी है दोनों चीजें और ये मुझे मिला था. मैं आपको, आपने शायद प्राइस देखी होगी, मैंने इसको कैप्चर किया था. इनमें से एक चीज थी $15 की और एक थी $13 की. तो ये महंगे हैं, लाइक इतने सस्ते नहीं है लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. इसके अंदर देखें तो ऐसे इन लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं और ये ट्रे वॉशेबल होगा. तो ये मैं लेके आई तो मीकाइल को भी अच्छा लगा है. तो मैं इंशाल्लाह अगर गई तो मैं एक आध और लेके आऊंगी. बेबस वाली लेके जाती है, मीकाइल के लिए लेके जाऊंगी. ये हो गया. उसके बाद हम लोगों ने ये लिए हैं जी ग्राफिक जो पेपर्स होते हैं, ग्राफ शीट्स होती हैं. तो ये टू पैक्स मैंने वो ग्राफ शीट्स के लिए हैं, ये वाले. और क्या लिया? ओके जी, ओके. ये मैंने लिए हैं जी हिलरी के जो 5 पैक्स हैं 32 पेजेस की, जो इसमें 5 होती हैं नोटबुक्स. तो 1, 2, 3, 4 मैंने ये लिए हैं. तो ये जरा आप बना, आपको भी दिखाती हैं यहाँ पे जो हाल हो रहा है. या बी केयरफुल, ओके. चलो दिखा दो, इट्स वेरी हैवी. सो दीज आर रूल शीट्स. या तो ये देखें, ये जो रूल जो शीट्स होती है ना, जो इन बड़े वाले बाइंडर्स के अंदर लगती हैं, ये वो शीट्स. और ये हमने कितने लिए हैं, 6 पैक्स हमने ये लिए हैं. तो ये सारी चीजें हम लेके आए. अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि इतने, ये चीजें मैं कल खरीद के लेके आई हूँ. लेकिन इसके अलावा मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो हमारे कैबिनेट में पड़ा है, बहुत ज्यादा सामान है जो मेरे ड्रॉर्स में ऑलवेज होता है. बच्चों को जो चीज चाहिए होती है उसमें से निकाल लेते हैं. ऐसा नहीं होता कि मेरे घर में वो चीजें नहीं मिलती हैं. जो चीज चाहिए होती है इमरजेंसी में हमारे घर से निकलती है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता. कोई भी चीज, अगर बच्चे को स्टेशनरी की कोई चीज चाहिए होती है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो इस तरीके से हम लोगों ने किया स्कूल, बैक टू स्कूल की शॉपिंग. अभी कुछ चीजें और लेनी है लिस्ट में, लेकिन मैंने कहा चलिए आपको आज ये दिखा देती हूँ. और पहले आए वो आपको दिखा के लाती हूँ, फिर मैं वापिस आ रही हूँ. ये देखें, ये है दजाना का क्लोजेट. और इसमें मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने इधर ये रखे हुए ड्रॉर्स, और इन ड्रॉर्स के अंदर बच्चों के सारे सप्लाइज पड़े हैं. ये देखें इतनी चीज़ें हैं. ये देखें, मैंने पहले भी बच्चों को स्टेडलर्स की ही पेंसिल्स लेके दी हैं और इसके बहुत ज़्यादा पैक्स पड़े हैं. ये हैं, ये नीचे पड़े हैं, ये सारे पैक्स हैं, न्यू है, ब्रांड न्यू. ग्लू भी पड़ी हुई हैं, दूसरी पेंसिल्स भी पड़ी हैं. बेबस बेटा, जिब्राइल बेटा, अगो हट जाना, इट्स डार्क. ये देखें, ये कलर, ये जो पड़े हैं ऑयल पेस्टल्स, ये पड़े हुए हैं बैबरस के हैं. ये कुछ क्रेयॉन्स पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, कैलकुलेटर्स पड़े हैं, हाइलाइटर्स पड़े हैं, सब कुछ हमारे पास पड़ा है. ये भी हाइलाइटर्स हैं, ये देखें, ये भी हाइलाइटर्स हैं.
Didn't we need the calculator? Yeah, I think the jana nickel by need. ये do tanks वगैरह पड़े हैं. ये पूरा का पूरा cabinet हमारा भरा हुआ है. ये drawer, ये पूरा drawer है. और उसके अलावा ये पूरा ड्रॉअर है. इसमें भी सारी वही चीज़ें हैं. ये वाली यूज्ड है, ये इनके बच्चों की यूज्ड है. ये देखें पेंसिल्स हैं, वो देखें ग्लू स्टिक्स कितनी ज़्यादा पड़ी हैं. ये इतना बड़ा पैक है, ये मैंने 12 का लिया था. वो पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है. ये उन बच्चों की डिक्शनरीज और ये सारी चीज़ें हैं. तो मैंने कहा चलें आपको ये दिखा देती हूँ कि इतना कुछ पहले पड़ा था, फिर भी हम इतनी शॉपिंग करके लेके आए हैं. चले जनाब, तो ये था हमारा आज का व्लॉग. उम्मीद करती हूँ हमारा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ. तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद. टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़.